सिंगापुर में बढ़ते कोरोना मामलों ने दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। संक्रमण में तेजी से उछाल के बाद सिंगापुर की सरकार ने एहतियाती कदम उठाए हैं और लोगों को गाइडलाइन फॉलो करने के लिए कहा है। सिंगापुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दुनिया भर में कोरोना की नई लहर आने की भी चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि इंडोनेशिया और मलेशिया में भी कोरोना के कुछ मामले देखे गए हैं। ऐसे में दूसरे देशों तक भी कोरोना संक्रमण के फिर से फैलने का खतरा बढ़ गया है। हालांकि भारत में अभी कोरोना को लेकर इस तरह की कोई चिंता नहीं देखी गई। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी किए गए अपने बयान में कहा कि 3 से 9 दिसंबर तक कोविड संक्रमण के मामले बढ़कर 56,043 हो गए, जो इससे पिछले सप्ताह 32,035 थे। ऐसे में संक्रमण के मामलों में 75% की बढ़ोतरी देखी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हालात पूरी तरह से काबू में हैं, लेकिन लोग लापरवाही से बचें और घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाएं। एयरपोर्ट पर भी सख्त नियम लागू किए गए हैं। यात्रियों से मास्क पहनने की अपील की गई है। कुछ एयरपोर्ट पर थर्मल स्कैनर्स भी लगाए गए हैं, जिससे यात्रियों की जांच की जा सके। स्थानीय मीडिया के मुताबिक बीते कुछ दिनों में कोरोना संक्रमण की वजह से अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या भी बढ़ी है। सिंगापुर में कोरोना संक्रमण के जो मामले सामने आए, उनमें मरीजों को JN.1 वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है। सिंगापुर में आने वाले समय में नए साल पर होने वाली पार्टियों के चलते भी संक्रमण के बढ़ने को लेकर चिंता जताई है। फिलहाल सिंगापुर में बढ़ते कोरोना पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।